सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। सो तुम लोगों का फिर से वेलकम हो चुका है। अपनी लास्ट वीडियो में जो तुम लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी, ये लास्ट वीडियो के अंदर मैंने अपनी वो उस ओल्ड सर्वाइवल वर्ल्ड की लिंक दे दी है। जिसको नहीं मिली है जाके चेकआउट जरूर से कर लेना। लंगर बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, इसीलिए फटाफट से जाके डाउनलोड कर लो। बाकी जिसको नहीं पता मेरा सर्वाइवल वर्ल्ड कैसा है, वो ये वाली वीडियो जाके चेक कर लो, जिसमें मैंने अपने पूरे सर्वाइवल वर्ल्ड को रीबिल्ड किया है। मतलब आधे अधूरे को किया है, पूरे को नहीं किया है, बाकी सब आइटम था उसके अंदर। सो आज की वीडियो में गाइज हम लोग करने वाले हैं अपने, नहीं करने वाले नहीं है, मतलब आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं अपने वर्ल्ड के अंदर एक बीकन को। यस गाइज, लास्ट टाइम तुम लोगों को बताओगे मैंने अपने वेदर को कितना मुश्किल तरीके से मारा था। भाई देखो मेरा पूरा आर्मर चला गया भाई इसके चक्कर में। उसको मारना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है यार। मेरा तो केवल आर्मर ही गया है, बाकी लोगों का तो नहीं। इनको हम लोग फिर से नेदरराइट में कर लेंगे, क्योंकि अभी अपने पास नेदरराइट है नहीं, इसीलिए मैं नहीं कर रहा। बाकी बाद में मैं इनको कर लूंगा नेदरराइट में, क्योंकि आज मैं अपने ओवर वर्ल्ड के अंदर ही रह के सारा काम करने वाला हूँ, जहाँ पे कोई भी हादसा वगैरह नहीं होगा। और हाँ, एक्सपी भी नहीं है मेरे पास, इसीलिए मैं नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मुझे एंशेंट भी करना है। बाकी अभी के लिए तुम लोग मेरा आर्मर देखो ना, तो ये देखो तो खत्म होने वाला है यार, बिल्कुल आर्मर ही नहीं है मेरे पास तो। बट कोई बात नहीं, आज के लिए ये आर्मर चला लेते हैं अपन लोग। मैं इसको अभी ना बहुत जल्द अपने वो, मतलब क्या है ना, मेरे जो यहाँ पे वर्ल्ड के अंदर ना गाइज वो नहीं है, एक्सपी फार्म नहीं है, इसीलिए क्या है ना ये ऐसा हालत हो रखी है। वरना मैं अब तक अपने इन दोनों को तो फुल एंच है, मतलब वो कर ही लेता, इनकी एचपी फुल कर देता, बट मेरे पास है नहीं बेसिकली, बात वो है। इसलिए एक्सपी का भी जुगाड़ अपन लोग करेंगे। बट आज की वीडियो में मैं करने वाला हूँ अपने लिए एक, मैं बनाने वाला हूँ अपने लिए एक बीकन का टावर, नहीं एक काफी अच्छा स्ट्रक्चर बनाएंगे अपन लोग बेसिकली, जिसमें मैं अपना बीकन लगाने वाला हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो गाइस। अगर तुम लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार देना, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर से दबा देना। अभी चलते हैं अपन लोग सबसे पहले क्वार्ट्स कलेक्ट करने, क्योंकि मेरे पास ना मेरे को आज क्वार्ट्स की बहुत ज्यादा नीड होने वाली है। और आई थिंक जहां तक मुझे पता है ना, मेरे पास क्वार्ट्स बहुत सारा पड़ा है यहाँ पर, मेरे पास काफी सारा क्वार्ट्स होना चाहिए। बस आई होप मैंने यूज ना किया वो क्वार्ट्स, नहीं यहाँ तो नहीं है। ओके ये रहा क्वार्ट्स, यहाँ पे क्वार्ट्स लगा तो हुआ है। ओ भाई काफी सारा ब्लॉक भी पड़ा हुआ है यहाँ पे, मेरे को ब्लॉक्स की भी नीड है आज। मेरे को स्टेयर्स चाहिए होंगी, ब्रिक स्टेयर्स बताएगी ये तो नहीं। ओके हाँ, ये स्मूथ वाली भी चाहिए मेरे को, आई थिंक मेरे को और चाहिए। यस मतलब मुझे काफी सारा क्वार्ट्स चाहिए इसके लिए, कि मेरे को अभी नेदर में जाना पड़ेगा मतलब क्वार्ट्स कलेक्ट करने के लिए। एक बार घर के अंदर भी चेक कर लेता है घर के अंदर क्वार्ट्स है, मुझे नहीं लगता घर के अंदर क्वार्ट्स होगा मेरे। ओके यहाँ पर देखो गाइस कितना सारा क्वार्ट्स है मेरे पास, देखो कितना सारा, इतने में तो कुछ नहीं हो पाएगा। अरे यार ये भी कुछ भी नहीं है मेरे पास, क्या करूँ मैं, कुछ भी नहीं है मेरे पास सीरियसली। मेरे पास क्या एक ऐसी पिकेक्स है कोई, जो कि मेरे पास पिकेक्स ही नहीं है अभी तो। जिसमें फॉर्चून वगैरह कुछ लगा हुआ यार, फॉर्चून वाली पिकेक्स होती तो मजा आ जाता। अगर मेरे को ऐसे ही एक्सपी कलेक्ट करनी है तो मैं नेदर में जाके नहीं करूँ। हाँ यस, मेरे को नेदर जाना चाहिए ना। हाँ नेदर के अंदर करते हैं, चलो चलो चलो, यहाँ पर कुछ नहीं होगा, नेदर के अंदर चलते हैं फटाफट से, वहीं पे एक्सपी अपनी करेंगे। ओ भाई ये देखो बंदे, देखो ये ले, एक्सपी तो अभी कलेक्ट नहीं कर पा रहा, क्योंकि मेरी चेस्ट प्लेट वगैरह इनमें मेंडिंग लगी हुई ना, तो पहले वो रिपेयर होगी। एक्सपी का एक सिंगल टुकड़ा नहीं मिल रहा मेरे को। नहीं ओ नहीं, नाइस, नहीं 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 नहीं, भागो 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 भागो, नहीं अभी तो भागो, अभी बस एक ही काम करो, भागो भागो भागो। मैं मरने वाला हूँ, यस आई एम डैम श्योर मैं मरने वाला हूँ। नहीं यार मैं मर गया, वो काफ़ी सारा आइटम मिल गया वैसे मेरे को। नहीं 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 नहीं, ओ भाई यहाँ पे आके मार दिया, अभी इन्हें बताता हूँ रुको। ओ भाई यहाँ तो तबाही मची पड़ी हुई है बे, मेरा आर्मर वगैरह कहाँ है। ओके ओके ओके, वहाँ पर काफ़ी सारा सामान पड़ा हुआ है। ओके मेरी डायमंड की स्वॉर्ड नहीं मिल रही मेरे को, एंड मेरी पिकेक्स भी नहीं मिल रही मेरे को, नाइस। नहीं नहीं नहीं, ओ इसके पास है, ये मार देगा, ये मार देगा भाई, इसके पास है, इसके पास है, मिल गई मिल गई मिल गई, दिख गई मेरे को। नहीं ओ नहीं, मार दिया। ओ भाई इसने मेरा पूरा आर्मर ही पहन दिया। हाँ तो मुझे लगता है वो ना मेरे पोर्टल के थ्रू बाहर आ चुका है, आई थिंक मेरे को लग रहा है ऐसा। ये रहा, लेट्स गो।
अब तो मरेगा। ओके मर गया, मिल गया, बाकी सारा सामान मिल गया, लेट्स गो। तो पहले मेरा नेदरराइट का आर्मर चला गया एंड अभी मेरी जो ओपी वाली पिकेक्स थी सिल्कस वाली वो भी चली गई। सारा कुछ मेरे साथ ही होना है क्या यार भाई? मेरी मस्त वाली पिकेक्स चली गई, अभी मैं पूरा प्रॉपर वाला नल्ला बन चुका हूँ, कुछ भी नहीं है मेरा, वो भी चला गया। तो अभी ऐसे में तो मैं जाने नहीं वाला नेदर में बिल्कुल भी, क्योंकि गाइस अभी मैं पोर्टल से निकला ही था कि उन लोगों ने मेरे ऊपर हमला कर दिया एंड अगर मैं थोड़ा आगे जाऊंगा तो फिर तो मेरे को ये भी सामान भी खोना पड़ जाएगा वहां पे, इसीलिए वहां तो नहीं जाते अभी के लिए। तो गाइस मेरे को अभी जस्ट एक आइडिया सूझा है, यहाँ पे ना अपन लोग क्वार्ट्स कलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका भी निकाल सकते हैं। सीरियसली तुम लोगों को, तुम लोग भूल गए होंगे बट मेरे को अभी जस्ट याद है, अपन लोग विलेजर से भी तो क्वार्ट्स के ब्लॉक निकाल सकते हैं ना, एक दो क्वार्ट्स नहीं पूरे क्वार्ट्स के ब्लॉक्स हम लोग निकाल सकते हैं और एमरल्ड काफी सारा है तो इसीलिए ना मैं आराम से मतलब उससे ये ट्रेड कर सकता हूँ। वैसे मैंने यहाँ पे एक विलेजर बना के रखा हुआ है ऑलरेडी, ये अपना वो है क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, ये अपना फ्लेचर। ओके नाइस, काफी महंगी दे रहा है यार ये, मेरे पास क्ले थोड़ी है मेरे पास इतना, बट क्ले मैं कलेक्ट कर सकता हूँ। One eternity later. So guys, अभी मेरे पास काफी सारा क्वार्ट्स तुम लोग देख सकते हो इकट्ठा हो चुका है। मैंने यहाँ से विलेजर से ट्रेडिंग करने की कोशिश करी बट पता नहीं वो थोड़ी देर में ये डिस्पोन हो गया। मैं क्या ना उससे ट्रेड करता था ना तो वो मेरे को 12 ब्लॉक देता था एक बारी में ना, बट वो मेरे लिए इनफ नहीं था और ये बहुत टाइम बहुत कॉस्टली भी था मेरे लिए क्योंकि यार बहुत टाइम लग रहा था इसमें इसीलिए, और एमरल्ड्स भी बहुत जा रहे थे सीरियसली, तो इसीलिए मैं क्या नेदर के अंदर भी चला गया था माइन करने के लिए। तो नेदर से जब मैं वापस आया तो वो अपना डिस्पोन हो गया था, तो फिर मेरे पास एक ही रास्ता बचा था क्वार्ट्स कलेक्ट करने का, वो था अपना नेदर। सो या मैंने नेदर से काफी सारा क्वार्ट्स कलेक्ट किया, ये देखो और भी मेरे पास अंदर की तरफ पड़ा हुआ है क्वार्ट्स। सो अभी फटाफट से ना अपन लोग अपना ये बनाना शुरू करते हैं, यार ये बारिश पता नहीं कभी रुकेगी। और मैंने ना इसको पहले यहाँ सोचा था कि यहाँ पर कहीं पर बनाऊं बट यहाँ पे ऑलरेडी काफी सारी चीजें भरी पड़ी हुई है इसलिए इसको यहाँ नहीं बनाते, इस बार हम लोग इसको किसी और साइड में बनाते। और अगर ये यहाँ पे नहीं होता ना फाउंटेन तो मैं यहाँ पे बनाता भाई, यहाँ पे सीरियसली बहुत मस्त लगता, बट अभी के लिए ना मैं इसको यहाँ पे बनाने वाला हूँ इस जगह पे। यहाँ पे मेरे को ये पूरा एरिया क्लियर करना पड़ेगा बट कोई बात नहीं कर लेंगे अपन लोग। सो या इसको यहाँ पे बनाएंगे, ये अपने घर के पास में रहेगा जिससे अपन को भी मतलब इसके इफेक्ट्स मिलते रहेंगे। सो गाइस मेरे बीकन का यहाँ पे प्लेटफॉर्म बन चुका है, तुम लोग देख सकते हो कितना ज्यादा ओपी यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है। ये देखो भाई साहब क्या ही मस्त स्ट्रक्चर बनाया और कितना ही महंगा स्ट्रक्चर बनाया है ये भाई। क्वार्ट्स को लाना ना इजी नहीं होता सही में भाई, बहुत मेहनत लगती है क्वार्ट्स कलेक्ट करने में, ऊपर से नेदर के अंदर जाओ ना तो हवा बहुत ज्यादा टाइट हो जाती है, बात तो सही है, इसीलिए ये मेरे लिए बहुत महंगा पड़ा है ये इस बार। एंड अभी गाइस ना एक और प्रॉब्लम आ चुकी है थोड़ी यहाँ पे, मैंने ये प्लेटफॉर्म तो बना दिया है बट मेरे पास आयरन की ब्लॉक्स इनफ नहीं है। अरे तू जा रही, चलो तुम लोगों को अपने आयरन फार्म पे लेके चलते हैं। अभी पहले तुम लोग गालियां निकालो, उससे पहले मैं तुम लोगों को कुछ दिखाना चाहता हूँ, फटाफट से चलते अपने आयरन फार्म। एंड अभी तुम लोग देखो तो यहाँ पे ना आयरन फार्म में आयरन का तो कुछ आ ही नहीं रहा है, तुम तो विलेजर्स की आवाज मेरे को आ रही है। एंड ओके नहीं है यहाँ पे आयरन कुछ भी, विलेजर्स की आवाज आ रही है बट मेरे को आयरन गोलम स्पॉन क्यों नहीं हो रहा, आई डोंट नो यार, मेरे पास बिल्कुल भी आयरन नहीं है भाई, शर्म नाम की चीज नहीं है, विलेजर्स की आवाजें आ रही है नीचे से। ये देखो कितना सारा विलेजर पड़े पड़े हैं, एक बार देखो यार गाइस कितने सारे विलेजर पड़े पड़े हुए, फिर भी आयरन गोलम पता नहीं मेरा यहाँ पे स्पॉन क्यों ना, आई थिंक मेरा फार्म थोड़ा डिफेक्टिव हो चुका है। अभी के लिए ना मेरे पास जितना है उतना ही मैं यहाँ पे लगाने वाला हूँ, मेरे को लगता है गाइस मेरे को ना अपना आयरन का फार्म फिर से बनाना पड़ेगा, दूसरी बार तो मैंने इसको बना ही दिया था, लगता है तीसरी बार फिर से बनाना पड़ेगा और कोई अच्छा सा आयरन फार्म बनाऊंगा इस बार में। यस इस वाले आयरन फार्म को तोड़ेंगे, यहाँ के सारे विलेजर्स को अपने पास रखूंगा तो कोई बहुत मस्त आयरन फार्म बनाने वाला हूँ मैं। अभी तो मेरे को लगता है कि इसी से काम चलाना पड़ेगा बट ये कुछ आ ही नहीं रहा यार, मेरे को चेंज करना पड़ेगा यार, इससे कुछ मतलब तो है ही नहीं। ओके ये देखो ये मेरी यहाँ पर एंडर चेस्ट के अंदर भर के बैठे हुए थे,
51 ब्लॉक है मेरे पास, ओके एक स्टैक भी नहीं है, 51 ब्लॉक्स है मेरे पास। बट एक काम करते हैं, उसकी आउट्रो आउट्रो बना देते हैं ना। यस आउट्रो बना देंगे, अभी के लिए इतना ही आयरन है। एंड ये कम पड़ गए, अभी मेरे को थोड़ा ना इसको जुगाड़ करके लगाना पड़ेगा। जितना भी मेरे पास ये ना सबके ब्लॉक बना लूंगा, वो 32 लैपिस के ब्लॉक भी पड़े हुए, सबके ब्लॉक बना लूंगा। अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। One eternity later. तो ये बना अपना बीकन यहाँ पे, लेट्स गो। अभी पता नहीं गाइस कि ये लग के चालू होगा भी या नहीं, बट लगा के देख लेते, लेट्स गो। ओके गलती से क्लिक हो गया, ओके लेट्स गो, देखते चलिया, लेट्स गो। अभी मेरे को आइटम लाना पड़ेगा, एक आध इसके अंदर डालना पड़ेगा ना, तब जाके ये मेरे को इफेक्ट देगा। इसमें डालते ये एमरल्ड, एंड मैं इसमें ले रहा हूँ स्पीड, है ना। मेरे को थोड़ा फास्ट काम करने में मजा था, देखते क्या मेरे को स्पीड मिला। यस मिल गया, बट ये आई थिंक ना, ओके ये स्पीड 1 मिला है मेरे को, मतलब यार ये इतना फास्ट नहीं होगा ना। फास्ट तो है बट कुछ भी हो। सो या गाइस दैट्स फॉर टुडे गाइस, आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। सो या अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक मार देना, एंड चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर से दबा देना। एंड मेरा ये बीकन का स्ट्रक्चर तुम लोगों को कैसा लगा मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके जरूर से बताना।